एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड फैक्चुअल सी न्यूज आई है, और वो ये है कि 70% एप्लीकेशन जो इंडियन सिटीजनशिप की हैं वो पाकिस्तान से हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA का डाटा। और उसके बाद जब आप दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां पे मुसलमान जो है वो चौड़ा होकर कहीं भी बैठ जाएगा, सड़क के ऊपर नमाज पढ़नी शुरू कर देगा, कभी किसी के मंदिर में घुस जाएंगे वहां नमाज पढ़नी शुरू। भाई क्यों जा रहे हो मंदिर, इतना प्रॉब्लम है तो जाइए घर पे जाके पढ़ लीजिए। लेकिन हम जान बूझ के ऐसा करते हैं। ये साउथ एशियन मुस्लिम जो है ये अपने आप को खुद ऐसा बनाया इन्होंने कि सब हमें जो है नापसंद करें। ये सारी नौटंकियां ना हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुसलमानों के अंदर ही है। और किसी को कोई परेशानी नहीं है अगर माइनॉरिटी के हिसाब से बात करें, यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे जू, यहाँ पे पारसी हैं, यहाँ पे सिख हैं, और मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं। और वो प्रिंसिपल माइनॉरिटी है, लेकिन नंबर के आधार पर देखा जाए तो मुसलमान माइनॉरिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ हर कोई बराबर खुशी और बराबर एक्साइटमेंट के साथ हर त्यौहार होता है। आप यहाँ पे देखें, मॉल्स में जाएं क्रिसमस पे सजे होते हैं, दिवाली पे जाएं तो सजे होते हैं, ईद पे जाएं तो आपको बाजारों में वही रौनक मिलती है। तो हमारे यहाँ तो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात होती है, तो वो सही में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए होता। हमें किसी बाहर से किसी दूसरी कंट्री की या किसी भी दूसरे की जरूरत नहीं है कि वो हमें नुकसान करे, क्योंकि ये सारी दीमक और ये सारे कीड़े मकोड़े जो कहते हैं ना खोखला कर देते हैं, ये हमने खुद ही पाल रखे हैं। तो अब हम भागे भागे फिर रहे हैं। ये चीज हमें पहले रोकनी चाहिए थी, और अभी भी हमें अकल नहीं आई है। अभी भी हम TLP और TTP जैसे लोगों को और इस तरह के बाकी माइंडसेट के लोगों को, चाहे वो मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस हो, चाहे मीडिया में बैठे हों, चाहे जहां हम उन्हें सपोर्ट कर, आप जो है गलत किस्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो TTP हो, चाहे वो TLP हो, चाहे इसी तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान हो। और उसके बाद जब आप दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां पे मुसलमान जो है वो चौड़ा होकर कहीं भी बैठ जाएगा, सड़क के ऊपर नमाज पढ़नी शुरू कर देगा, कभी किसी के मंदिर में घुस जाएंगे वहां नमाज पढ़नी शुरू। भाई क्यों जा रहे हो मंदिर, इतना प्रॉब्लम है तो जाइए घर पे जाके पढ़ लीजिए। लेकिन हम जान बूझ के ऐसा करते हैं। ये साउथ एशियन मुस्लिम जो है ये अपने आप को खुद ऐसा बनाया है इन्होंने कि सब हमें जो है नापसंद करें। सारी इस्लामिक कंट्रीज है, कुवैत, कतर और पता नहीं क्या क्या, तो उनके मुस्लिम्स का तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि वो, आपने कभी देखी कोई पिक्चर के वो पूरा वो जो तोप पहन के घूमते हैं कि वो कहीं पे बैठे हुए सड़क के ऊपर या कहीं मस्जिद के बाहर बैठे हुए। ये सारी नौटंकियां ना हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुसलमानों के अंदर ही है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान का, मैं देख रहा था पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इस पे स्टेटमेंट जारी की थी कि जनाब ये जो है वो BJP लेड गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों को कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स जो है वो अदा करने की इजाजत नहीं दे रही, और हम बड़े कंसर्न है। मैं बल्कि मलेशिया से मेरे कोई दोस्त आते हैं तो वो कहते हैं सब पाबंदी है कि इस बिल्डिंग के बाहर आपकी आवाज तक नहीं आनी चाहिए वरना पेनल्टी फाइन है। सो ये जो क्या वो जो मुसलमानों का मौका है वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर बाकी मजहब तो जिधर मर्जी इकट्ठे हो जाते हैं, हमें क्यों फिर रोका जा रहा है। सर सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट गया है, पाकिस्तान को स्टेटमेंट देने का कोई राइट इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ खुद क्या जो माइनॉरिटी है हमने उसको कौन से राइट्स दिए या कौन सी उनकी बात ऐसी है जो हम उनका ख्याल करते हो। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो उनमें उन्होंने ये, मैंने मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने सिर्फ ये सुना है कि उन्होंने लाउड स्पीकर जो है उसको कहा है कि जी आप आवाज कम रखें या फिर सिर्फ अजान के वक्त इस्तेमाल करें, इसलिए कि वो सोनू निगम जो सिंगर है इनके बड़े मशहूर, बहुत अच्छा गाते हैं, और उनका इंटरव्यू मैंने देखा था और उन्होंने कहा था कि जी ये सुबह से जो लाउड स्पीकर उनके घर के पास कोई मस्जिद थी कि वो शुरू करते हैं और शोर जो है वो खत्म ही नहीं होता और कहानियां होती हैं वो सुना रहे होते हैं। तो सोनू निगम ने कहा था कि बड़े डिस्टर्ब होते हैं तो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। तो लाउड स्पीकर तो मैं भी कहती हूँ, पहले तो यही मौलवी थे अगर आपको याद हो तो यही मौलवी थे जो कहते थे लाउड स्पीकर हराम है, और अब इनको लाउड स्पीकर चाहिए। आप किसी मौलवी को कहिए वो फटाफट आके TV पे भी बैठ जाएगा, YouTube पे भी बैठ जाएगा, मतलब अब इनका इस्लाम कहाँ गया। तो ये सब चीजें जो है ये सिर्फ ये इत्तेफाक से या बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया में ही है, वरना अगर इधर भी उसी तरह से बिहेव किया जाता जैसे बाकी दुनिया में करते हैं तो हम भी कुछ प्रोग्रेस कर गए होते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड फैक्चुअल सी न्यूज आई है, और वो ये है कि मैं देख रहा था कि इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा जी कि 70% एप्लीकेशन जो इंडियन सिटीजनशिप की हैं वो पाकिस्तान से हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA का डाटा, और जिसमें आप ये समझ लें कि
ये एक इम्पोर्टेंट डेवलप है ये जानने के लिए कि ऐसे क्यों है। 10,635 एप्लीकेशन हैं, तो उनमें से तकरीबन कोई 1,152 जो है वो अफगानिस्तान से हैं, 428 जो है वो स्टेटलेस से हैं, 223 फ्रॉम श्रीलंका एंड यूएसए से भी हैं, 189 फ्रॉम नेपाल, 161 फ्रॉम बांग्लादेश, इस तरह, और चाइना से भी 10 एप्लीकेशन हैं। अब ये है कि जो पाकिस्तान से हैं वो कोई 7,306 जो है वो पाकिस्तान से, एंड दिस डाटा इज ऑफ December 14, 2021। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो है वो तो अप्लाई करते हैं यूरोप जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, आप अगर उनसे डाटा चेक करें, या इंडिया से लोग जो है वो यूरोप और अमेरिका जाने के लिए हजारों लाखों एप्लीकेशंस पड़ी होंगी। इसी तरह ये जो चीज है कि ये हाउ कम दीज पीपल आर गोइंग उधर जा रही है, लेकिन ये चीज आई सामने तो इस पे वो जो जानना चाह रहे थे कि ये किस बेस पे ये एप्लीकेशन आई है, और ये पता चला कि जो मेजॉरिटी 2018 से लेके 2021 के बीच में एप्लीकेशन आई हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप से आई हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट जो हैं, जिसमें ये चीज पता चलता है कि ये लोग जो हैं वो कितने वल्नरेबल हैं। असल में अब पता चलता है कि बेसिकली जो फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं दे आर फीलिंग इनसिक्योर, लोग यहां से जाना चाहते हैं बिकॉज दे फील इनसिक्योर, शायद के उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है या इस तरह की चीज। जब मैंने इसको देखना थोड़ा सर्च करना शुरू किया तो ज्यादातर लोग यहाँ से जो जा रहे हैं वो ऑब्वियसली हिंदूज हैं, बिकॉज दे बिलीव कि भाई पाकिस्तान जो है वो दैट इज नॉट अ सिक्योर प्लेस फॉर देम, बिकॉज जैसे वो मियां मिट्टू का करेक्टर है सिंध में, इसी तरह हम देखते हैं कि सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया है। एंड आई थिंक दिस इज अ जॉब ऑफ अ कंट्री टू मेक इट श्योर दैट नो माइनॉरिटी, बिकॉज हमने, मुझे याद है जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट वीडियो ऑफ इमरान खान जहां पे वो कहते थे कि जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आऊंगा तो कोई बंदा माइनॉरिटी जो है वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम ये लफ्ज माइनॉरिटी ही खत्म कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। दिस इज व्हाट इमरान खान सेड। अगर हम बात करें 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना हमारा इतिहास है, कल्चर है, यहाँ पर अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं और बहुत हंसी खुशी रहते हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं। अगर माइनॉरिटी के हिसाब से बात करें, यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे जू, यहाँ पे पारसी हैं, यहाँ पे सिख हैं और मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं, और दो वो प्रिंसिपल माइनॉरिटी है, लेकिन नंबर के आधार पर देखा जाए तो मुसलमान माइनॉरिटी तो नहीं है, लेकिन मुसलमान भी बहुत खुश रहते हैं। हर धर्म जाति के लोग यहाँ पर बहुत आराम से रहते हैं और सबको अपनी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रैक्टिस और प्रीच करने की इजाजत है। यहाँ हर कोई बराबर खुशी और बराबर एक्साइटमेंट के साथ हर त्योहार होता है। आप यहाँ पे देखें, मॉल्स में जाएं क्रिसमस पे सजे होते हैं, दिवाली पे जाएं तो सजे होते हैं, ईद पे जाएं तो आपको बाजारों में वही रौनक मिलती है। तो हमारे यहाँ तो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात होती है, तो वो सही में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है, यहाँ पे किसी को किसी चीज के लिए रोका नहीं जाता। आप जितने चाहे जो चाहे त्योहार मनाए, चाहे ना मनाए, ये आपके अपने ऊपर है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है।